आरआर मीडिया 24x7 में आपका स्वागत है। मैं प्रीति। आज बीदर में ख्वाजा अजहर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा घोषित किया कि वो कल जनता दल पार्टी ज्वाइन करेंगे और उनके साथ जितने युवा है वो भी जेडीएस ज्वाइन करेंगे। इनकी ज्वाइनिंग होटल वेब में सीएम इब्राहिम के हाथों होगी। इन्होंने ये भी कहा कि लगभग 300 से 400 लोग कांग्रेस, एमआईएम और अन्य पार्टी से जुड़े थे, अब वो जेडीएस ज्वाइन करेंगे। तमाम बीदर के वासियों को नमस्कार। आज ख्वाजा शेख अजहर साहब के नेतृत्व में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात की इतला देने का मकसद है कि ख्वाजा शेख अजहर साहब यूथ लीडर बीदर की सदारत में और उनके नेतृत्व में कल जो जेडीएस की जो यहाँ पे मीटिंग होने जा रही है हैदराबाद कर्नाटक कल्याण कर्नाटक इलाके की, उस मीटिंग में स्टेट कर्नाटक स्टेट के जेडीएस के प्रेसिडेंट और साबिका सीएम कुमार स्वामी साहब, ये लोगों के प्रोग्राम में बीदर के नौजवान जो बिला लिहाज मजहब व मिल्लत और बिला लिहाज पार्टी शेख अजहर की सदारत में कल सैकड़ों की तादाद में जेडीएस ज्वाइन होने का इरादा किए हैं। और नमस्ते। सबसे पहले तो श्रावण के आज जो मास थे, श्रावण की मैं पहले हिंदू भाई को मुबारकबाद देता हूँ। जैसे कि मुसलमान भाई रमज़ान रोज़े रखते हैं, आज से श्रावण चालू है। पूरे जितने भी हिंदू भाई हैं मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि श्रावण का महीना चालू हो रहा है आज। और मुसलमान जैसा रोज़ा रखते हैं वो लोग भी अपना रोज़ा रखते हैं, तो मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि पूरे देश के लिए अमन और शांति के लिए वो लोग दुआ करें। और एक बार मैं श्रावण की मुबारकबाद देता हूँ सारे हिंदुस्तान को। और आज हम जो एमआईएम छोड़कर कलियम में एक रिज़ाइन लेटर दे दिए हैं, एमआईएम को हेडक्वार्टर भेजाए हैं, एमआईएम छोड़कर जेडीएस जा रहे हैं। कल 5 बजे वाईबी होटल में एचडी कुमार स्वामी साहब, एक्स चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, और कर्नाटक का स्टेट के प्रेसिडेंट सीएम इब्राहिम साहब और बंडप्पा खासिमपुर जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रमेश सोलपुरे साहब और हमारे जितने भी एमआईएम की टीम के यूनिट के लोग और बीएसपी के लोग, यूथ कांग्रेस से कांग्रेस पार्टी के भी थोड़े लोग हैं, कल हम पूरे गावन चौक से वाईबी होटल जा रहे हैं 5 बजे ज्वाइनिंग। आप तमाम से भी गुजारिश है कि ज्वाइनिंग में आप भी शामिल हुए, और ख़ास तौर नौजवानों से मैं अपील करता हूँ जेडीएस आप लोग भी ज्वाइन हुए। क्यों बोले तो जेडीएस इसलिए ज्वाइन हुए क्योंकि ये किसानों की पार्टी है, यूथ की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। आप देखिए 4% रिजर्वेशन अगर कोई पार्टी देती है तो वो जेडीएस पार्टी दी है देवेगौड़ा के नेतृत्व में। कितने लोग हैं सर आपके टीम? तकरीबन 200-400 के करीब होंगे, और कितने भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। सारे के सारे एमआईएम से छोड़े हुए लोग? एमआईएम से भी है, कांग्रेस से भी है, बीएसपी से भी है। आप कितने साल एमआईएम में रहते हैं? एमआईएम छोड़ने की वजह तो मैं और बाद में बोलूँगा, मगर फिलहाल एमआईएम का कोई कैडर बेस जैसे हाईकमान से कोई काम करने या कोई पूछताछ के लिए आता नहीं, उनके इंचार्ज आते नहीं। एमआईएम सबसे पहले सिर्फ इलेक्शन में आती है तो फिर इलेक्शन में ही आते हैं वो लोग। जैसा आपका एमआईएम में था, क्या जेडीएस में होगा? देखिए हम पूरे जितने भी लोग हैं उनसे मशवरा है करके जा रहे हैं, और हम जहाँ इलेक्शन में हम एमआईएम को जितने भी लोग हैं हम सब मिलकर काम करना है, और उनको हम बार बार बोले, एमआईएम के भी जितने हाईकमान को भी बार बार बोले, मंसूर खादरी साहब को भी हम 1.5 साल से बोल रहे हैं कंटिन्यू, वो आज करेंगे कल करेंगे, वहाँ हैदराबाद फ़ोन करें तो कोई आता नहीं, कोई फ़ोन उठाता नहीं। और तमाम जितने भी यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी मीडिया है, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूँ। गावन चौक से वाईवी होटल जा रहे हैं रैली की शक्ल।